नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का और उस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य के पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक को उनके पद से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष बनाया गया। महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। हालांकि 50 वर्षीय भट्ट नंद प्रयाग विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कौशिक को सरकार में जगह दी जा सकती है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल कर दिया है। राज्य के पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक को उनके पद से हटाया गया है। अब उनकी जगह महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष बनाया गया। महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। हालांकि 50 वर्षीय भट्ट नंद प्रयाग विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और अब भी जानकारी ये मिल रही है कि कौशिक को सरकार में जगह दी जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर भाजपा ने उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल किया है। मदन कौशिक को अध्यक्ष पद से हटाकर अब नया चेहरा सामने आया है। आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। कमासिन थाने के एक सिपाही ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। जून में ट्रेनिंग पूरी कर थाने में तैनाती हुई, दो दिन पहले ही कई दिनों की छुट्टी से वापस आया था सिपाही। मृतक सिपाही कस्बे में प्राइवेट कमरा लेकर रहता था, वहीं घटना हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मामला बबेरू क्षेत्र के कमासिन थाने का। पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने बताया कि फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। आखिर उसने खुदकुशी क्यों की है इस बात का पता नहीं चला है। सुसाइड नोट की तलाश की जा रही है। अगर सुसाइड नोट मिलता है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ थाना कमासिन में पोस्टेड एक हमारे कांस्टेबल राघवेंद्र, उसने आज यहाँ सुसाइड कर लिया है। वो थाने के बगल में एक कमरा किराए पे लेके रहता था और वहीं पर छत पर उसने आज यहाँ फांसी लगा ली है। उसने अपना फ़ोन भी फ्लाइट मोड पे लगा दिया था। अभी जो प्राइमा फेसी जो चीज़ें पता चल रही हैं वो ये हैं कि कुछ पारिवारिक टेंशन की वजह से वो गुमसुम रहता था। यहाँ पर मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। मौके का मुआयना किया जा रहा है, परिवार को सूचित कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई जिले के पियानी कस्बे के मोहल्ला सर्कसपुरा में शुक्रवार रात बेटे ने पिता की चाकू से हत्या कर दी। मामले की जानकारी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। बता दें कि पुलिस तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि पैसों की खातिर यहां पर बेटे ने पिता का कत्ल कर दिया है, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान अधेड़ की मौत हो गई। ये पियानी कस्बे में, थाना पियानी लगता है, उस सर्कसपुरा मोहल्ला है, वहां पे मोहम्मद नबी है, उम्र उनके करीब 50 साल के लगभग है। इनके पुत्र आरिफ ने घरेलू विवाद को लेके इनको चाकू मार दिया और इस पे सीएससी गए इलाज कराने, वहाँ से रेफर कर दिया गया था जिला चिकित्सालय, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं प्राप्त है। इनके और तीन पुत्र हैं, तहरीर जैसे मिलेगी उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अमेठी में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसओजी टीम पर गंभीर आरोप का अमेठी संवाददाता विक्रम भदौरिया ग्राउंड जीरो से, यहां पर उन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया था। एसओजी टीम के सिपाहियों पर आरोप है कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था, तो यह आरोप था
और लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखा रही थी और इसी खबर पर अब अमेठी कप्तान ने संज्ञान लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक इलामरन जी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। वायरल वीडियो के मामले में एसओजी के दोनों आरोपी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी अमेठी को जांच सौंप दी गई है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरा हुआ था, इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और अब इस खबर का असर होता हुआ नजर आया है। आगामी त्योहारों को लेकर जिले के समस्त थाना और पुलिस चौकियों पर ताजियादारों के साथ पीस कमेटी की एक बैठक की गई है। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली भीनगा जितेंद्र सिंह ने, पुलिस चौकी भंगा प्रभारी निरीक्षक गिलोला योगेंद्र राय ने, ग्राम मजारे और थाना अध्यक्ष सिरसिया पंकज कुमार ने चौकी जोखवा बाजार पर मुहर्रम और रक्षाबंधन त्योहार को लेकर ताजियादारों और क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। साथ ही वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने कुशलता जानी तथा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त की है। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण त्योहार मन सके इसको लेकर अपील की गई है कि सभी सौहार्दपूर्ण त्योहारों को मनाएं और इस दौरान सभी चौकी प्रभारी और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। कन्नौज में कांवड़ यात्रा का एक अलग ही नजारा देखने के लिए मिला है। कांवड़ियों की भीड़ से पूरी इत्र नगरी भगवा में नजर आई। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैद रहे। एडीएम एएसपी बाइक से कांवड़ यात्रा रूट पर मार्च करते हुए नजर आए। इत्र नगरी के अंदर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है। पूर्ति निरीक्षक के ऊपर दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्ति निरीक्षक के ऊपर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया। नगला खुशहाली कोटे की जांच करने पूर्ति निरीक्षक के पहुंचे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बीते दिनों ग्रामीणों के द्वारा बड़ी संख्या में डीएम ऑफिस पहुंचकर कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसी मामले की जांच करने के लिए नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक नेहा सिंह पहुंची थी। ग्राम नगला खुशहाली अचानक फायरिंग से पूरा इलाका भयभीत हो गया। नायब तहसीलदार ने कमरे में छिपकर किसी तरह से जान बचाई। अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में दहशत भी है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव नगला खुशहाली का एक पूरा मामला। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क वन विभाग नेशनल पार्क द्वारा नेशनल उच्च अधिकारी द्वारा के दिशा निर्देश के द्वारा नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम द्वारा गंगा उद्यम स्थल गोमुख से गंगोत्री तक दो दिवसीय सफाई अभियान किया जा रहा है और जितने भी गोमुख से गंगोत्री तक घोड़ा सामग्री के कट्टे भरे गए हैं उन्हें खच्चर के माध्यम से गंगोत्री पहुंचाया गया है। वहीं राजवीर रावत का कहना है कि लगभग 40 घंटे के ऊपर पॉलिथीन सामग्री गंगोत्री चेकपोस्ट पहुंचाया गया जिससे नेशनल पार्क द्वारा इस बारिश के मौसम में एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। फरुखाबाद में नरेंद्र सिंह की नई बस्ती स्थित कोठी पर बनाई गई हत्या की योजना का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने दो शूटरों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। सियासी गलियारों में सनसनी फैली हुई है। डॉक्टर जितेंद्र यादव राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते जिले के प्रमुख समाजसेवी और राजनेता बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या की साजिश नाकाम कर दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र यादव को रास्ते से हटाने की साजिश समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने वाले पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह यादव के नई बस्ती स्थित आवास पर उनके बेटे द्वारा ही रची गई थी। साजिश की जानकारी समय रहते हो गई। पुलिस ने दो सूत्रों को दबोच लिया है। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। बरसात के मौसम में जहां एक और नदियां उफान पर हैं तो वहीं आबादी क्षेत्रों में आए दिन सांपों का निकलना आम होता जा रहा है। चंपावत के टनकपुर आबादी क्षेत्र में आए दिन सांप देखे जा रहे हैं। टनकपुर निवासी बालादत्त शर्मा के मकान में सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। डर के कारण परिजन घर से बाहर निकल गए। परिजनों के अलावा आसपास के निवासी भी काफी ज्यादा खौफजदा हैं। खतरनाक सांप दरवाजे के पीछे जा छुपे बैठे रहते हैं। काफी देर तक जब वो नहीं निकलते तो परिजनों ने उसकी सूचना शादा रेंज वन विभाग को दी। सूचना पर सांप का रेस्क्यू करने स्नेक
कैचर कौशल कश्यप और रवि शर्मा ने कड़ी मेहनत के बाद सांप का रेस्क्यू किया, लेकिन लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो बरसात के मौसम में बचकर रहें, क्योंकि इस तरह के जंगली जानवर भी आपके घर में आ सकते हैं, साथ ही कई तरह की बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। दिलों में पानी चले जाता है, तो जहां भी सांप निकल रहे हैं, जहां भी टनकपुर में उसके आसपास गांव में हो रही है, हमारी दो टीमें बनी हुई हैं जो बराबर उनको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ रही है, और जहां भी हमें खबर मिलती है हम वहां पहुंच के सांप पकड़ लेते हैं अपनी पूरी किट के सहित। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।